हेलो दोस्तों, इस फ्राइडे वैसे तो काफ़ी सारी फिल्में रिलीज हुई हैं, लेकिन मैंने देखी है अमावस से। और अमावस से में VFX के जरिए आपको डराने की अच्छी कोशिश की गई है। फिल्म देखकर मुझे समझ में आ गया कि भूत वूत कुछ नहीं होता, होती है तो लेडी भूत। वेट, लेकिन फिल्म के आखिर तक मुझे ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, खामा खाई ना लेडीज को चुड़ैल और भूतनी बोलकर बदनाम किया हुआ है। फिल्म का डायरेक्शन किया है भूषण पटेल ने, जो इससे पहले रागनी MMS और 1920 जैसी फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक कपल से, जो कि एक भूतिया बंगले में पहुंचता है। भूतिया बंगले में पहुंचते ही दरवाजे खुलने की आवाज़, एक डरावना पेड़ और उस पर लटका एक झूला, इस तरह से फिल्म की कहानी शुरू होती है और आप वाकई में ये सब देखकर डर जाएंगे। बाकी आप फिल्म देख लेना। फिल्म की एक अच्छी बात यह है कि फिल्म खत्म होते होते आपको एक ट्विस्ट दे जाएगी। फिल्म पांच किरदारों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। फिल्म में लीड रोल कर रहे हैं सचिन जोशी, जिनके साथ रोमांस करते हुए आपको नजर आएंगी नरगिस फाखरी। हर 15 मिनट पर ये स्क्रीन पे आपको रोमांस करते हुए नजर आएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है गोटी का, यानी कि अली असगर। वो जब जब स्क्रीन पे आएंगे, आप ना चाहते हुए भी उनको देखकर हंस पड़ेंगे। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो कि मैं आपको बताऊंगी लेकिन थोड़ी देर बाद। फिल्म में नवनीत कौर ढिल्लों भी है, लेकिन उनका कैरेक्टर थोड़ा भूतिया है। ना, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। इस फिल्म में एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है विवान भटेना का, यानी कि सैम, जो फिल्म में आपको आखिर तक जोड़ के रखता है। फिल्म में एक और सपोर्टिंग कैरेक्टर है मोना सिंह का, जिन्होंने अपना किरदार बखूबी ही निभाया है। उनकी एक्टिंग मुझे पसंद आई। वैसे फिल्म की कहानी थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, लेकिन खैर, इक्का का रैप आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। साथ ही अंकित तिवारी की आवाज़ में फिल्म के गाने भी काफ़ी अच्छे हैं। फिल्म आपको डराने के साथ साथ हंसाएगी भी और रोमांटिक फील भी कराएगी। वैसे भी वैलेंटाइन वीक है, आप फिल्म को जाकर देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। हम इस फिल्म को देंगे 1.5 स्टार्स। आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।